मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो डिफिकल्टीज है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या जनरल है, उनको हम रिजॉल्व कर सकें। यहाँ पर जो अभी प्रेजेंटेशन प्लान पर हुई है, इस समय हमारे सामने दो ही प्रायोरिटीज होनी चाहिए इमीजिएटली। एक तो इस प्लान की कंप्लीशन करना है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है, और जितनी जल्दी हमारा प्लान पोजिशन होगा और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही हम अच्छे रिजल्ट दिखा सकेंगे। और दूसरी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए वो है कोविड की। देखिए, जैसे आप लोगों की जानकारी में है कि सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं, उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, उसका प्रभारी बनाया गया है। इसके पीछे मकसद यह है कि एक पर्सनल अटेंशन जो डिस्ट्रिक्ट को मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले। दूसरा, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए फील्ड के बीच में और सेक्रेटरीट के बीच में। तो उसी मकसद से मैं यहाँ आया हूँ और मैंने अफसरों के साथ आज एक डिस्कशन किया। DC साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान के बारे में हमें बताया कि किस तरह से वो प्लान बना रहे हैं, पंचायत का भी प्लान और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है कैपेक्स का, वो किस तरीके से बन रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या प्रायोरिटीज़ हैं। तो मेरा संदेश सारे अफसरों को यही था कि इस समय हमारे पास दो टॉप प्रायोरिटीज़ यही है। पहली प्रायोरिटी है कि हमें जो कोविड के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चल रही है, इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों को इंश्योर करना है कि जिस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम सुन रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली गई है, जम्मू कश्मीर में सिचुएशन आउट ऑफ हैंड नहीं जानी चाहिए। हर तरीके की जो सुविधा मिलनी चाहिए नागरिकों को, और जो एक श्योरिटी मिलनी चाहिए कि उनका इलाज भी ठीक से होगा और उनको जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी उनके लिए रहेंगे, तो वो हमें इंश्योर करना है। और फिर उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि चूँकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, हमारे प्लान्स जो हैं वो पोजीशन में होने चाहिए, ताकि जैसे ही प्लान्स अप्रूव हों तो हम उनको फिर एग्जीक्यूशन में ला सकें। पिछले साल भी कोविड की वजह से हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर नहीं हो सका जिस लेवल से होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि इस साल शुरू से ही हम तैयारी करें, ताकि जितने भी हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। आपके पास माइनिंग का भी सर डिसीजन जा रहा है, तो बात करें और रेट्स काफ़ी हाई होते जा रहे हैं सर, रेट बढ़ने के लोगों काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं सर। कोई शक नहीं कि डिमांड सप्लाई के गैप की वजह से लगभग डेढ़ साल पहले, दो साल पहले NGT का और बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ डायरेक्शंस आई, उससे जो पूरा सिस्टम था वो चेंज हुआ है। फिर उसी के मुताबिक हमने यहाँ पर जम्मू कश्मीर UT में भी कुछ चेंजेस लाए। मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि पहले एक लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस होती थी, अब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पे स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी, वो इन्वायरमेंट क्लियरेंस करेंगे। तो उससे प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा लेंदी भी हो गया और ज़्यादा TDS भी हो गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इस तरीके से बिना ऑप्शन किए आप माइनिंग के ब्लॉक्स नहीं दे सकते जैसे पहले दिए जाते थे। तो पहले बड़ी आसानी से कोई क्रशर लगाता था, उसके साथ में माइनिंग भी कर सकता था, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस कोर्ट्स ने लगा दिए। तो हमने इसलिए ई ऑक्शंस किए, हमने लगभग 300 ब्लॉक्स पूरे UT ऑफ JNK में आइडेंटिफाई किए हैं, जिनकी ई ऑक्शनिंग करने के बाद उनको हमने पहले LOIs दिए हैं और अब हम लीजेज़ बना रहे हैं। जितनी ज़्यादा हम लीजेज़ बनाएंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे प्राइसेस नीचे आएंगे। कुछ पहले से प्राइसेस नीचे आए हैं, खासकर सांबा में, चूँकि हमने कुछ नई लीजेस दी हैं उससे प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। जम्मू में कुछ प्राइसेस कंट्रोल हुए हैं। कठुआ का भी आज मैंने असेसमेंट किया, कठुआ में अभी हमारे पास लीजेस कम हैं, इसलिए हमने अभी शॉर्ट टर्म परमिट्स कुछ दिए हैं। आज एक पर्टिकुलर इशू था कि बनी बसोली बिलावर वाली एरिया में भी माइनिंग ब्लॉक्स नहीं है, हमने आज उसका भी कुछ हल निकाला है। हम कोशिश यही करेंगे कि इस समस्या को हम हल कर सकें, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए और इसके जो जेन्युइन प्राइसेस हैं उस पर लोगों को मिटिया।